नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंगल और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी की फोर्थ क्लास। देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रीसेंट फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं चाहूँगा कि अपन थोड़ा सा रिवाइज करें, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जो अपन ने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकल टॉपिक था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिविज़न कराता हूँ। अगर आपको रिविज़न नहीं करना है तो आप 10 से 15 मिनट क्लास स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि नई क्लास कब से स्टार्ट हुई? मैं ऐसे करके हैंड रेस कर दूंगा अपना जब मेरा ये रिवीजन ख़त्म हो जाएगा, तो आप आराम से 2 की स्पीड में उसको ख़त्म कर सकते हैं रिवीजन को, है ना। ठीक है, क्योंकि मेरे को रिवीजन कराना ज़रूरी है जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है इस टॉपिक के अंदर। अच्छा देखिए, अपन ने डिस्कस किया था कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, कि एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो होता है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपनी कितना एक्सपेंडिचर करेगी और गवर्नमेंट की कितनी रेवेन्यू होगी या इनकम होगी या रिसेप्ट होगी, एक ही बात मान लो आप यहाँ पे, तो उसको कहते हैं अपन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की तरह एक मॉनिटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, जो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करती है। इस बार क्वेश्चन भी था प्रीलिम्स के अंदर अपने आरएएस के अंदर के जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है वो कौन डिसाइड करती है। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट, तो इन्फ्लेशन टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, कई बच्चे उसको आरबीआई टिक करके आ गए थे, तो क्वेश्चन गलत नहीं था, वो ठीक था। फिर और एक होती है तीसरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। मतलब टोटल 3 टाइप की पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी अपने कोर्स में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था 2016 के आरएएस मेंस के अंदर, कि 2015 से 20 तक की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे डिस्कशन करो। ठीक है, तो वो अपन एक्सटर्नल सेक्टर जब अपना आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे। फिस्कल पॉलिसी दोस्तों 2 टाइप की होती है। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को मैनेज कैसे करती है, बजट के थ्रू, है ना। फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी में एक और डिफरेंस होता है कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है बाय मंथली आती है, मतलब हर 2 महीने के अंदर एक बार निकलती है और वो आरबीआई निकालता है। आरबीआई प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है, 3+3 मेंबर्स हैं, टोटल 6 मेंबर्स हैं। बट फिस्कल पॉलिसी जो है वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और बजट के अंदर गवर्नमेंट अनाउंस करती है अपनी क्या फिस्कल पॉलिसी होगी। फिस्कल पॉलिसी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन करना, मतलब बढ़ाना। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट के अंदर स्लो डाउन है, थोड़ी रिसेशन है, तो गवर्नमेंट मार्केट में जान फूकने के लिए क्या करती है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करती है। इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है और गवर्नमेंट खुद का खर्चा बढ़ा देती है। तो इससे होता क्या है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा रुक जाता है। ठीक है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो खर्च करेंगे, तो इससे डिमांड बढ़ेगी, मतलब मार्केट में हलचल पैदा होगी। ठीक है, तो ये होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन अपन बोलते हैं जिसको। उसके अंदर गवर्नमेंट को लगता है जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, डिमांड होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता होगा जब कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है ना। ठीक है, महंगाई कब बढ़ती है, जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट को लग रहा है किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लोगों, अब डिमांड ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, लोगों से उनका पैसा छीन लेना चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट लोगों से उनका पैसा ले लेगी तो फिर वो चीज़ें कम खरीद पाएंगे, तो अपने आप डिमांड क्या होगी, चीज़ों की कम हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा नियम याद रखना, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इसको आरएएस के अंदर, अपने बेसिक है कि भाई प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड जो है बढ़ती रहती है तो उसके प्राइस भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो प्राइस और डिमांड का उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर एक होता है टॉपिक फिस्कल डेफिशिट। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिट मतलब कि गवर्नमेंट, देखो दो तरह के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के और दो तरह की इनकम होती है। दो तरह के खर्चे कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो असेट और लाइबिलिटी से संबंधित है उसे अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मतलब क्या, अगर आप खर्चा करोगे और आपकी कोई असेट जनरेट होगी, संपत्ति जनरेट होगी, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ने डैम बनाया, गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की संपत्ति जनरेट हो गई, असेट जनरेट हो गई, तो इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर।
दूसरा फीचर क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, या तो असेट बढ़ जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए। तो मान लो गवर्नमेंट ने अपना लोन जो था वो चुका दिया, गवर्नमेंट ने मान लो लोन ले रखा था, ठीक है, कहीं से भी लोन ले रखा था, एक्सटर्नल लोन ले रखा था, बाहर से लोन ले रखा था, किसी दूसरे देश से ले रखा था, या इंडिया के किसी किसी मान लो आरबीआई से ले रखा था, सपोज करो पब्लिक से ले रखा था, ठीक है, पब्लिक से लोन लेती ना गवर्नमेंट, पीएफ वगैरह जो होता है पब्लिक मतलब प्रोविडेंट फंड, वो भी एक सरकार का लोन होता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट लोन का पैसा चुकाए तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत खर्चा, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत खर्चा, ठीक है, या व्यय, एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं व्यय। फिर दूसरा खर्चा कौन सा होता है दोस्तों? अच्छा, कैपिटल समझ में आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या है? गवर्नमेंट कोई संपत्ति खरीद ले या फिर लोन को चुका दे, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो वो एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो असेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं होता। तो एग्जाम्पल क्या है गवर्नमेंट के लिए? अब गवर्नमेंट के इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट हर महीने सैलरी देती है, तो सैलरी पे करने से कोई संपत्ति जनरेट हो रही है क्या? नहीं, वो काम कर रहे हैं और अपन उनको सैलरी दे रहे हैं, तो इससे कोई फ्यूचर की असेट थोड़ी क्रिएट हो रही है। तो इसलिए जो सैलरी देते हैं वो कौन सा खर्चा है? अपना रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है। रेवेन्यू खर्चे को हिंदी में बोलते हैं आयगत, और कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत खर्चा, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट की क्या होती है? कुछ कैपिटल रिसिप्ट होती है और कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? वो रिसिप्ट जो या तो असेट से रिलेटेड है या लाइबिलिटी से रिलेटेड है। कैसे? अगर कोई असेट बेचने से पैसा आता है तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। या लाइबिलिटी जो है वो लेने से पैसा आता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। सर एग्जांपल दो। देखो, अपन ने असेट बेची, गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे सपोज करो कोई सरकारी कंपनी थी तो उसके अंदर शेयर अपने बेच दिए, ठीक है। मान लो एयर इंडिया है, अब एयर इंडिया लॉसेस में चल रही है, लोन है बहुत सारा उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हम एयर इंडिया के अंदर अपना कुछ शेयर बेच देते हैं और उसके अंदर FDI अलाउ कर देते हैं, तो गवर्नमेंट शेयर बेच देगी, तो जो शेयर थे वो असेट थी, तो असेट बेचने से क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो वो रिसिप्ट क्या कहलाती है? कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरीके से आप मान लो गवर्नमेंट है ना, कोई सपोज करो कोई भी बड़ी संपत्ति मान लो आप गवर्नमेंट के पास पड़ी है, असेट है, उसको सेल कर दे, ठीक है। सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट, अच्छा एक और चीज़, हाँ, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ही, तो असेट बेचने से जो रिसिप्ट हुई वो कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर लाइबिलिटी बढ़ जाए गवर्नमेंट की। लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगी? अब गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, लोन कहाँ से लिया? कहीं से भी, इंडिया से लोन लिया हो, मान लो RBI से लोन लिया हो, ठीक है, किसी पब्लिक से लोन लिया हो, जैसे प्रोविडेंट फंड मैंने बताया PF का जब पैसा कटता है, ठीक है। अपन लोग सपोज करो गवर्नमेंट ने कुछ IMF से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो कहीं से भी लोन ले लिया तो गवर्नमेंट के पैसा आया, तो ये कौन सी रिसिप्ट होती है? कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना, हाँ, है ना, ठीक है। फिर एक होते हैं इसी तरीके से खर्चे, ठीक है, वो सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट। अब एक और होता है कॉन्सेप्ट, किसका? रेवेन्यू रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट को बोलते हैं हिंदी में आयगत, अभी लिखा था ना मैंने, आयगत जो पैसा मिला, ठीक है, रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट कितने टाइप की होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप की होती है, एक तो टैक्स रिसिप्ट होती है, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। टैक्स अपन ने डिस्कस किया है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और नॉन टैक्स के अंदर गवर्नमेंट को मिलता है जैसे डिविडेंड मिल गया, है ना। अभी जैसे इशू चल रहा है कि ना जो तुम्हारी RBI है, RBI से गवर्नमेंट बोल रही है कि लाओ RBI आप हमें डिविडेंड दे दो, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा दे दो, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब इसमें कोई असेट लाइबिलिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा गवर्नमेंट की, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल लो कि सपोज करो गवर्नमेंट ने अपन से फाइन ले लिया, ठीक है, अपन ने कोई अपन सड़क पे गए और अपन ने चालान कटवा लिया, तो गवर्नमेंट ने वो फाइन है एक तरीके से चालान, तो वो जो चालान है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? गवर्नमेंट को पैसा थोड़ा लेना है, गवर्नमेंट ने अपन से उधार थोड़ा लिया है, ठीक है। तो और इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि गवर्नमेंट बहुत सारी सेवाएं देती है तो उस टाइम पे पैसा लेती है। अब जैसे आपको अपने घर पे पानी का बिल आता है हर महीने, ठीक है, या गवर्नमेंट पानी देती है तो अपने बिल आता है, तो वो बिल कौन सी रिसिप्ट है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो पैसा गवर्नमेंट रिकवर करती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर जाती है। क्लियर क्या?
अब अपन आते हैं किस पे, अपन ने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट फिस्कल डेफिसिट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट जानना। अपने एग्जाम में देखो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज FRBM एक्ट, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, चौथा क्वेश्चन ही हो सकता है व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ NK सिंह कमेटी, NK सिंह कमेटी जो बनी थी FRBM एक्ट को लेके उसकी रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। अब अपन इसको इन टॉपिक्स को राजस्थान से भी लिंक कर सकते हैं, अगर मान लो आप राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो फिर आप आराम से देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट कितना है राजस्थान का, ठीक है, उसको आप इंडिया के फिस्कल डेफिसिट से कंपेयर करो, इंडिया का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, राजस्थान का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, उसको कंपेयर करो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो पहले मैं फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेता हूँ एक बार आपसे। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया और गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया, उनका डिफरेंस। सपोज करो गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाने वाला है वो 10 लाख रुपए जाने वाला है, ये सब एस्टिमेट है ना, अपन बजट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख रुपए जाने वाला है, 10 लाख के अंदर कौन कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, दोनों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा। तो गवर्नमेंट के पास 10 लाख रुपए जाने वाले हैं, गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए उनमें उसके उसके पास गवर्नमेंट के पास खुद के पास ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज पड़े हैं, ठीक है, टैक्सेस वगैरह से आए होंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सपोज करो 6 लाख रुपए के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है, जो टोटल इनकम है गवर्नमेंट की वो 6 लाख है, उसमें कौन कौन सी रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट भी होगी और रेवेन्यू रिसिप्ट भी होगी। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जैसे अपन बोल रहे थे ना, लोन लेना भी क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, उसको छोड़ देना बस आप एक बार, ठीक है, जो लोन है उसके अलावा, उसके अलावा कौन सी कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है, मान लो जैसे गवर्नमेंट ने किसी PSU के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सरकारी उपक्रम होता है उसके शेयर बेच दिए, ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, इसको आप ले सकते हो, इसको आप इनकम में जोड़ दो अपनी, ठीक है। तो सपोज करो गवर्नमेंट का जो खर्चा है टोटल मिला के रेवेन्यू प्लस कैपिटल वो 10 लाख का खर्चा है, और सपोज करो गवर्नमेंट की जो टोटल रिसिप्ट है रेवेन्यू प्लस कैपिटल वो टोटल मिला के है 6 लाख रुपए है, ठीक है, बस इसमें अपन ने कौन सी कैपिटल रिसिप्ट नहीं जोड़ी है, लोन वाली, तो 4 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे सर खर्चा तो आप 10 लाख करना चाहते हो लेकिन जो इनकम पड़ी है आपके पास वो 6 लाख की है, तो जो 4 लाख का जो घाटा दिख रहा है वो आपको क्या है, फिस्कल डेफिसिट कहलाता है वो घाटा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितने रुपए का है, 4 लाख रुपए। इससे क्या पता लग रहा है, इससे ही पता लग रहा है कि अगर अपन को खर्चा करना है तो 4 लाख रुपए का अपन को क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं होता, ये होता है कि सिंपली लोन कितना लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सुना हो इसके बारे में तो FRBM एक्ट जो है वो फिस्कल डेफिसिट की लिमिट कितनी बताता है, 3% ऑफ GDP, ठीक है, GDP का अपन 3% से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, ये FRBM एक्ट कहता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है, ये अब इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो यार, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू खर्चे और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू खर्चे हैं वो है 4 लाख रुपए के और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो सपोज करो है 3 लाख रुपए की, मतलब गवर्नमेंट को सपोज करो टैक्सेस वगैरह से जो पैसा मिला वो 3 लाख रुपए मिला और गवर्नमेंट को जो सैलरी देनी है लोगों को अपने, ठीक है, वो देनी है 4 लाख रुपए। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया दोनों की दोनों चीज़ें, तो माइनस 1 लाख रुपए आए, ठीक है, 3 लाख रुपए तो अपने को मिला टैक्स से और अपन को जो पेमेंट करना है वो 4 लाख करना है, तो 1 लाख रुपए जो माइनस में आए उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। अब रेवेन्यू डेफिसिट का करेंगे क्या अपन, रेवेन्यू डेफिसिट का जो है FRBM एक्ट कहता है कि ये होना चाहिए 0, रेवेन्यू डेफिसिट कभी भी मतलब होना ही नहीं चाहिए, हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रेवेन्यू खर्चे क्या होते हैं आप ये समझो, जो अपन कंजम्पशन के लिए खर्चे हैं करते हैं, मतलब खुद खाने के लिए खर्च करते हैं एक तरीके से, ठीक है, और या फिर किसी एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, दोनों में से कौन सा अच्छा एक्सपेंडिचर है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। प्रोडक्टिव मतलब कि इससे फ्यूचर में फ़ायदा होगा, अगर आप सपोज करो डैम बनाओगे तो उससे फ्यूचर में फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हर साल सब्सिडी पे पैसा खर्च कर रही है, अब सब्सिडी बताओ कौन सा खर्चा है, गवर्नमेंट तरह तरह की सब्सिडी बांट रही है, तो सब्सिडी फूड सब्सिडी देती है इंडिया के अंदर कितनी सारी गवर्नमेंट, तो ये है खर्चा, रेवेन्यू खर्चा, ये कोई असेट थोड़े जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है किसानों को सब्सिडी दे दो, तो सब्सिडी देने से बढ़िया चीज़ क्या है, एक और चीज़ बढ़िया है कि आप किसानों के लिए क्या कर दो,
असेट क्रिएट कर दो, जैसे इरिगेशन का साधन पैदा कर दो। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो 60 to 70% जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून बेस है, ठीक है। ओनली 20 to 30% के अराउंड ही जो एग्रीकल्चर है वो केवल क्या है, इरिगेशन बेस है। तो अपने जो फार्मर्स है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है, तो उनको लोन वेव करने की जगह उनका क्या तरीका है, सोल्यूशन क्या है कि आप उनको एग्रीकल्चर के लिए असेट तैयार करके दे दो, इरिगेशन तैयार करके दे दो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे दो फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगा के दे दो उनको, ठीक है। उनको वेयरहाउस बना के दे दो वहीं की वहीं, ताकि वो उसको जो उन्होंने फसल उगाई है उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर पाएं, ठीक है। तो उनको अपने आप दाम जो है वो अच्छे मिल जाएंगे बाद में। तो ये एक चीज़ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो FRBM एक्ट कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट उसको लोन ना ले, ठीक है। रेवेन्यू डेफिशिट जीरो होने का मतलब समझ में आ गया ना अपन को, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू डेफिशिट आए आना ही नहीं चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कभी भी रेवेन्यू खर्चे के लिए लोन ना ले, यही तो मतलब हो गया। अगर मैं इसका मतलब निकालूं तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू के खर्चे जो होने चाहिए करने के लिए उसको लोन नहीं लेना चाहिए, खुद ही मैनेज करने चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, या तो अपनी रिसिप्ट बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट कैसे बढ़ाती है, टैक्स बढ़ाओ, ठीक है। टैक्स की रेट मत बढ़ाओ, टैक्स का बेस बढ़ाओ, ठीक है। रेट तो बढ़ाना ही नहीं है, ध्यान रखना कभी भी। और एक्सपेंडिचर क्या करो, कम करो। अब एक्सपेंडिचर कम मत लिखना कभी भी, हमेशा आपको एक्सपेंडिचर को क्या लिखना है, रेशनलाइज करना लिखना है, ठीक है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था पिछली क्लास में, बट मैं फिर भी रिवीजन करा रहा हूँ ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम सीमेंट की तरह पक्का हो जाए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेशनलाइज करने चाहिए अपन, कभी भी कम नहीं लिखेंगे। ऐसा हो रहे कमी है, गवर्नमेंट कमी कर रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, है ना। आप देखो गवर्नमेंट ने सब्सिडी का अमाउंट कमी किया है पिछले साल से इस साल, लेकिन अपन को फिर भी क्या लिखना है, मेंशन क्या करना है एग्जाम में, कि गवर्नमेंट शुड रेशनलाइज इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर कम करना अच्छा नहीं लगता, ऐसा नेगेटिव वर्ड लगता है, ठीक है। अच्छा, तो और फिस्कल डेफिसिट कितना था बताओ, कितना रखना है FRBM एक्ट के हिसाब से, 3%। तो इसका तो यही मतलब निकल गया ना, कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या आता है, दोनों चीजें आती है। कि फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, और ये एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहे हैं रिसिप्ट से, यही तो मतलब है फिस्कल डेफिसिट का। लेकिन बस रिसिप्ट के अंदर अपन ने लोन छोड़ दिया, ठीक है। अगर ये 3% है तो, और ये रेवेन्यू डेफिसिट जीरो है, तो इसको मैं यू भी तो लिख सकता हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, ये फिस्कल डेफिसिट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर आप कहो तो लिख सकते हैं ना। तो ये तो हो गया जीरो कंपोनेंट, तो गवर्नमेंट चाह रही है ये तो जीरो हो जाए, लेकिन ये 3% मैक्सिमम अलाउड है ना। ये मैक्सिमम कितना अलाउड है, 3%। मतलब लोन लेना है तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि लोन लेना है तो किसके लिए लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए लो। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो यही इक्वेशन कह रही है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल चीजें बताई मैंने आपको, ठीक है। फिर तो ये जो FRBM एक्ट है वो अपन को किसकी तरफ लेके जा रहा है, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ लेके जा रहा है। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब कि गवर्नमेंट को कभी भी जो है खर्चे ज़्यादा नहीं करने चाहिए एक लेवल के बाद, और खर्चे करे भी तो अपने इनकम के सोर्स बढ़ाओ, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भाई एक पर्सन है वो, इसकी इनकम तो है सपोज करो 10,000 रुपये, ठीक है, और लेकिन वो खर्चे जो करता है वो हर महीने 15,000 रुपये करता है, 5,000 रुपये वो हर महीने लोन ले रहा है। बताओ कितने टाइम तक चल पाएगा वो व्यक्ति, कुछ नहीं चल पाएगा। इस महीने लोन लिया, फिर अगले महीने उसकी किस्त चुकाएगा, तो उसकी जो इनकम होगी वैसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वो पर्सन चल ही नहीं पाएगा लॉन्ग टर्म तक, समझ में आ गया। फिस्कल डेफिसिट का घाटा क्या है, आप ये समझो जरा। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट जो एक्ट है वो मना क्यों कह रहा है, वो कह रहा है फिस्कल डेफिसिट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा क्यों कह रहा है ये समझो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। भाई गवर्नमेंट कितना लोन ले सकती है, 3% ऑफ GDP, कितना बोल रहे हैं मैक्सिमम। तो ये 3% ऑफ GDP आएगा कहाँ से, ठीक है, ये लोन लोगे कहाँ से आप। तो देखो दो सोर्स होते हैं लोन लेने के, ये भी समझ लो अच्छी तरीके से। एक होता है प्राइमरी बोरोइंग, ठीक है,
और दूसरा क्या होता है, बोरोइंग फ्रॉम मार्केट। ये अपन दोनों इंडिया की बात कर रहे हैं, लोन कहां से ले रहे हैं वो इंडिया से, अभी अपन बाहर के लोन की तरफ जा ही नहीं रहे। प्राइमरी बोरोइंग मतलब क्या होता है, लोन अपन किधर से ले रहे हैं, आरबीआई से। लोन किधर से ले रहे हैं अपन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे लोन देता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नया प्रिंट करता है, नई करेंसी प्रिंट करके किसको देता है, सरकार को देता है, ठीक है। तो नई करेंसी प्रिंट करने के लिए रिजर्व बैंक लेता क्या है, सरकार जो है अपनी सिक्योरिटीज देती है रिजर्व बैंक को। कुछ सिक्योरिटीज़ मतलब आप ये मान लो कि जैसे शेयर टाइप अपन ने डिस्कस किया था पहले, तो उस तरीके से जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो आरबीआई को कुछ सिक्योरिटी देती है और आरबीआई उस सिक्योरिटी के बदले नए नोट प्रिंट कर देता है। वैसे मजे की बात यह है कि जो सिक्योरिटी है वो उसका प्रिंटिंग का काम भी किसका है, आरबीआई का खुद का है। लेकिन अभी आप ये समझो कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को सिक्योरिटी दे दी, ठीक है, और आरबीआई ने सिक्योरिटी के बदले क्या दे दिया, नए नोट प्रिंट करके दे दिए। फिर नए नोट किसके पास आ गए, सरकार के पास आ गए। सरकार इस नए नोट पर से खर्चा करेगी, है ना भाई। गवर्नमेंट ने लोन लिया क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा करना था, तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी मार्केट के अंदर, तो वो पैसा मार्केट के अंदर आएगा। अब नए नोट प्रिंट करने से दिक्कत क्या होती है, नए नोट प्रिंट करने से जब वो मार्केट में पैसा आएगा तो लोगों के पास पैसा भर जाएगा जेब में, है ना। गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट खर्चा कैसे करती है, नरेगा मान लो, नरेगा पे खर्चा कर रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरीके से बहुत सारे स्कीम्स निकाल के खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, तो उससे लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों की जेब भर जाएगी और लोग फिर खर्चा करने मार्केट में निकलेंगे, ठीक है। उस जब वो उनकी जेब भर जाएगी, जब वो खर्चा करने मार्केट में निकलेंगे, तो चीज़ों की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो फिर चीज़ों के अपने आप क्या होंगे, दाम बढ़ जाएंगे। दाम बढ़ जाएंगे तो फिर दाम बढ़ना क्या होता है, इन्फ्लेशन। तो इससे दिक्कत क्या आती है, मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन पैदा हो जाता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत तो अच्छा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, लेकिन एक लेवल के बाद ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊँगा इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, रेट का बढ़ना, ठीक है। तो ये कैसे ख़राब है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसके बहुत ही दुष्परिणाम निकल सकते हैं अगर अपन ने इसको कंट्रोल नहीं किया टाइम पे। तो इसलिए FRBM एक्ट जो है ना, वो साफ साफ मना कर देता है कि प्राइमरी बोरोइंग तो बिल्कुल भी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। FRBM एक्ट ने साफ साफ मना कर रखा है कि गवर्नमेंट जो है वो नए नोट प्रिंट ही नहीं कर सकती, नए नोट प्रिंट ही नहीं करवा सकती आरबीआई से खुद का घाटा पूरा करने के लिए, ठीक है। इसी को पता है क्या बोलते हैं, इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मोनेटाइजिंग डेफिशिएंट, मोनेटाइजिंग डेफिशिएंट, ठीक है। समझ में आ गया क्या ढंग से। तो ये अलाउ नहीं है, ये बिल्कुल भी मना, सख्त मना है। गवर्नमेंट जो है इस तरीके का काम नहीं कर सकती, अगर गवर्नमेंट को अपना घाटा पूरा करना है तो वो इस तरीके से लोन नहीं ले सकती, है ना, ठीक है। इससे देखना, बस एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में नई करेंसी आ जाती है, नए नोट आ जाएंगे तो मार्केट में नई करेंसी आ जाएगी, नई करेंसी आ जाएगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा, और लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को खर्च करने मार्केट में निकलेंगे, और उससे चीज़ों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो अपन को पता है चीज़ों की जो रेट होती है वो बढ़ना चालू हो जाती है। अब अपन आते हैं बोरोइंग फ्रॉम मार्केट में। गवर्नमेंट के पास दूसरा तरीका क्या है, मार्केट से बोरो करना। अब ये तरीका भी टेक्निकल है, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसके अंदर सरकार क्या करती है, एक बार एक सेकंड, है ना। बोरोइंग फ्रॉम मार्केट में सरकार क्या करती है बताओ, सरकार जो है वो लोन लेती है किससे, मार्केट से। मार्केट कौन है यहाँ पे, बैंक। कौन सा बैंक, आरबीआई के अलावा जो बैंक होते ना उनसे लोन लेती है, पता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लोन लेने का तरीका क्या है वो समझना है अपन को, है ना। लोन लेने का तरीका ये है, अगेन गवर्नमेंट जो है वो कुछ सिक्योरिटी देगी किसको, आरबीआई को। आरबीआई उस सिक्योरिटी को बेचेगा, आरबीआई उस सिक्योरिटी को देगा किसको, बैंक्स को। कौन से बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक वगैरह उनको, है ना। आरबीआई उन सिक्योरिटी को बेचेगा, बैंक उसके बदले किसको पैसा देंगे, आरबीआई को पैसा देंगे, ठीक है। आरबीआई उस पैसे को किसको दे देगा, सरकार को दे देगा।
और सरकार का काम पूरा हो जाएगा। वापस से समझना, एक तरीके से आप ये मान लो कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी डायरेक्टली किसको बेच दी, बैंकों को बेच दी। आप आरबीआई को एक बार इग्नोर कर दो तो यही तो हुआ कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बेची बैंकों को और बैंकों ने उसके बदले पैसा किसको दे दिया, आरबीआई को, है ना, सॉरी सरकार को, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बेची बैंकों को, बैंकों ने उसके बदले पैसे दे दिया गवर्नमेंट को। लेकिन मैं कह रहा हूँ बीच में अपन ने आरबीआई को लिया है क्योंकि गवर्नमेंट यही तरीका इस्तेमाल करती है। इससे अब नुकसान क्या है, इससे इससे एक बहुत बड़ा नुकसान है कि बैंकों के पास पैसा लिमिटेड होता है ऑलरेडी। अब बैंक अगर वो पैसा सरकार को दे देंगे तो बैंकों के पास जो पैसा बचेगा वो कम बचेगा किसको देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। ठीक है, अगर बैंक से कोई रिलायंस वगैरह कंपनी मांगने आएगी उधार, तो बैंक क्या बोलेगी, भाई हमने तो बहुत पैसा तो ऑलरेडी किसको दे रखा है, सरकार को दे रखा है, तो हमारा पैसा तो सरकार के पास गया। ठीक है, हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना कि बैंक कभी भी सरकार को पैसा फ्री में नहीं देते, बैंक आराम से सरकार से पैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर HDFC बैंक ने अगर सरकार को पैसा दिया तो HDFC बैंक कोई फ्री में पैसा नहीं दे रहा, वो पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेगा आराम से पकाया था ना। ठीक है, तो बैंक कुल मिला के अब बैंकों के पास कम फंड्स बचेगा किसको देने के लिए, प्राइवेट कंपनीज को देने के लिए। जब बैंकों के पास प्राइवेट कंपनीज को फंड्स देने के लिए कम बचेगा तो इस चीज़ को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब जब बैंकों के पास, है ना, मतलब बैंकों के पास क्या हुआ, क्राउड आउट मतलब पैसा खत्म हो गया, कम हो गया इसको देने के लिए, अब प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, तो अब इससे इफेक्ट क्या होगा, इससे इफेक्ट ये होगा कि अब बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि उधार लेने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं और लोन लेने वाले पर्सन ज़्यादा हैं और बैंकों के पास पैसा कम है, तो बैंक इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे और बैंक केवल उसी को लोन देंगे जिस जो अपन को ज़्यादा, जो बैंकों को ज़्यादा ब्याज दे पाएगा। तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, अब जो लोन लोन लोग बाग कम लेंगे तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अपने आप जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब जो सोचो अब कंपनियां कम स्टेब्लिश करेंगे लोग बाग, तो प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी और फिर सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, है ना, पूरी इकोनॉमिक उलट पुलट हो जाएगी, है ना, लग रहा है आपको। तो इसलिए जो है ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो दोनों ऑप्शन खराब माने जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी क्या परमिजिबल है, बोरोइंग फ्रॉम मार्केट परमिजिबल है। क्या परमिजिबल नहीं है, ध्यान रखना, जो है प्रिंटिंग करेंसी परमिजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? मैं आपको दोस्तों एक इन्फ्लेशन बढ़ने का जो मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, सब पिछले क्लास में, अब समझो, देखो बिल्कुल ध्यान समझना, अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब इंडिया में मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने से इंडिया में चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, यही होता है इन्फ्लेशन का मतलब, मुद्रास्फीति, रेट बढ़ना चालू हो गए चीज़ों के। अब बताओ इंडिया के बाहर जो चीज़ मिल रही है, सपोज करो 4 रुपये में मिल रही है, एग्जाम्पल लो, इंडिया में वो चीज़ कितने की हो गई, 5 रुपये की, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया। अब अपन लोग कंज्यूमर हैं, अपन लोग कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, 4 वाला या 5 वाला? ठीक है, बिल्कुल सोच के बताओ, 4 रुपये वाला लेंगे नॉर्मली कंज्यूमर, जो सस्ता प्रोडक्ट है वही सेम क्वालिटी का, तो फिर 4 रुपये वाला ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, बाहर वाला प्रोडक्ट लेने से इम्पोर्ट पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ अपन ये भी देखते हैं कि क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट जो है 5 रुपये का बनने लग गया और बाहर वो चीज़ 4 रुपये में बन रही है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 रुपये वाला प्रोडक्ट जब बाहर बिकेगा तो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा, लोग वाइज को आसानी से नहीं खरीदेंगे, तो अपने एक्सपोर्ट भी क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखो, इम्पोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, इम्पोर्ट बढ़ने से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, इम्पोर्ट बढ़ने से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एक्सपोर्ट कम होने से फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली जो सरकार आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स है वो कम होने लग जाएगा, है ना, गवर्नमेंट के पास ये, या फिर इंडिया का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है वो कम होना चालू हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जब फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम होंगे, ठीक है, और क्योंकि फॉरेन करेंसी या डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर की रेट भी बढ़ना चालू हो जाएगी। पहले डॉलर 70 रुपये का था या 60 रुपये का था, अब वो 75 रुपये पहुंच जाएगा, अभी देखा अपन ने बढ़ रहा था डॉलर, 75 रुपये तक पहुंच भी गया था। डॉलर की रेट बढ़ने से क्या होगा, डॉलर से अपन क्या खरीदते हैं, अपना सबसे मेन चीज़ है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कच्चा तेल खरीदते हैं अपन,
जब कच्चा तेल अगर महंगा हो जाएगा, क्योंकि भाई डॉलर की रेट बढ़ गई तो वो भी महंगा मिलेगा, तो आपको पता है कच्चा तेल क्या है, इनपुट है हर चीज़ के अंदर, है ना। एज अ रॉ मटेरियल अपन हर चीज़ के अंदर कच्चे तेल को काम में लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, अपन ने देखा है कि एज अ रॉ मटेरियल अपन कच्चे तेल को हर जगह पे काम में लेते हैं, तो उससे इफेक्ट क्या आएगा कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर की रेट बढ़ गई तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अपने इनपुट जो है इंडिया के अंदर, जैसे मान लो हर इंडस्ट्री के अंदर कच्चा तेल जहाँ पे काम में आता है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा हर इंडस्ट्री के लिए। तो आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो आपका प्रोडक्ट और महंगा हो गया, ठीक है। तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा उससे। और दूसरी बात, क्योंकि जो तेल होता है पेट्रोल डीजल वगैरह, डीजल अपन ट्रकों में काम में लेते हैं, तो जब कच्चे तेल की रेट बढ़ेगी तो डीजल की रेट बढ़ेगी, और जो आपको पता है जो किराया होता है ट्रक का वो हर गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। सब्जियों की रेट, दालों की रेट, सब चीज़ों की रेट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, तो अपने आप तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से, मतलब इस कच्चे तेल के बढ़ने से, रेट से अपने प्रोडक्ट की रेटें और बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो सोचो आप क्या है, और भी दबाव पड़ेगा, फिर ये पूरा प्रोसेस होगा तो और दबाव पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस वापस रिपीट कर दो, इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है तो पूरा प्रोसेस वापस रिपीट करोगे तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है और बढ़ जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पास फॉरेन करेंसी जो है वो हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग जाए और अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे पहुंच जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे पहुंच जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अभी आप इतना समझ लो कि इनफ्लो ऑफ करेंसी माइनस आउटफ्लो ऑफ करेंसी, कि अपने पास करेंसी जो है वो आ रही है और जो जा रही है उसको अपन कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी सिंपली इतना समझ लो, इसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है वो अपन समझेंगे नेक्स्ट, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब हुआ था इंडिया में, 1991 के अंदर, ठीक है। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से, मतलब अपने पास फॉरेन करेंसी खत्म हो गई है, सिंपली मतलब ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो अपन को लोन लेना पड़ेगा, और लोन किससे लेंगे फिर अपन, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए लोन लेना पड़ेगा अपन को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से। और दोस्तों आपको पता है कि जो आईएमएफ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के टाइम पे लोन देता है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक से सेपरेट बॉडी होती है, वर्ल्ड बैंक केवल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, आईएमएफ जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के टाइम पे लोन देता है। तो समझ में आया मतलब पूरा प्रोसेस क्या है, तो अपन वही 1991 की सिचुएशन पे आ जाएंगे जिसमें अपन को आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए। 1991 के अंदर जो सिचुएशन हुई थी उसके अंदर एक मेन रीजन ये था कि हाई फिस्कल डेफिसिट, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। इसी को कम करने के लिए अपन अब अपन नई क्लास चालू कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब न्यू क्लास चालू है, मैंने हाथ भी ला दिया तो समझ जाना आप, है ना। 1991 के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी, ठीक है, तो उसी क्राइसिस के लिए अपन क्या लेके आए, एफआरबीएम एक्ट। तो अपन अब डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स ऑफ एफआरबीएम एक्ट। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अपन ने भी समझा पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसका, ठीक है, कि कैसे आया था और इससे फिस्कल डेफिसिट से क्या नुकसान हो सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट तक पहुंच सकते हैं अपन। तो आप देख रहे हो अपनी जो डोमेस्टिक बोरोइंग्स है, अपन डोमेस्टिक बोरो करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे अपन किधर जा सकते हैं, अपनी डोमेस्टिक बोरोइंग एक्सटर्नल बोरोइंग तक जा सकती है, ठीक है। मतलब अगर अपन अभी ज़्यादा बोरो करते हैं डोमेस्टिकली, मतलब आरबीआई से, या फिर मार्केट बोरो करते हैं, तो हो सकता है कि अपन एक सिचुएशन पे आ जाएं जहाँ पे अपन एक्सटर्नल बोरोइंग मतलब आईएमएफ तक अपन को वापस से जाना पड़ जाए। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है वो फिलहाल आईएमएफ के पास गया है, ठीक है, मतलब वो कंसीडर कर रहा है जाने के लिए, शायद जा चुका है, ठीक है। वो चाइना से भी लोन मांग रहा था, अभी आपने देखा था पूरा उसका इशू क्या है, ठीक है। तो उसके पास जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इशू है उसके यहाँ पे, है ना, ठीक है। उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, कुल मिला के बात ये है। तो फीचर्स क्या है एफआरबीएम एक्ट के, ये कब आया था, ये 2003 के अंदर आया था, पहली बात तो अपन को ये ध्यान रखना है। ये क्यों आया था, क्योंकि देखो गवर्नमेंट है ना, 1991 के अंदर जब अपने यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट हुआ और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे गए, तो गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा थे और इनकम क्या थी, कम थी, समझ में आ रहा है। ये देखो एक ऐसा ग्राफ बना देता हूँ मैं ना, ये खर्चे यूं हैं और इनकम यूं है, तो ये इतना गैप हो गया था 1991 तक, समझ में आया। फिर गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी, ठीक है, 1991 के बाद इसको कम करने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने, इस गैप को, एक्सपेंडिचर और इनकम को गवर्नमेंट की। तो
थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 1997 तक गवर्नमेंट ने इसको कम कम कर पाई, फिर वापस से बढ़ना चालू हो गया। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने फिर से इस पर ध्यान देना कम कर दिया। इसीलिए अब हमें किसकी ज़रूरत थी, मतलब फिर ये ऐसे बढ़ने लग गया दोबारा। इसीलिए हमने 2003 के अंदर सोच लिया कि हम क्या लेके आएंगे, इसका एक्ट बनाएंगे। देखो, खर्चे और इनकम डिसाइड कौन करता है? जो सत्ता में होता है, मतलब जो बजट बनाता है, बजट फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, मतलब सरकार बनाती है। सरकार मतलब पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉपुलिस्ट मेजर्स यूज करती है, सब्सिडी देना वगैरह, तो इससे खर्चा बढ़ जाता है। अगर उनको केवल पॉलिसी अगर उनके हाथों में ही पूरा रहेगा, तो फिर वो क्या करेंगे, बार बार इसको मतलब इस टारगेट, ऐसा कोई टारगेट उनके दिमाग में आएगा ही नहीं, है ना। वो सोचेंगे ही नहीं कि भाई हमें खर्चे की एक लिमिट ध्यान रखनी है। ठीक है, वो देखेंगे कि भाई अभी हमें इस साल इस बार 5 साल रहना है, तो फिर अगली गवर्नमेंट जाने के भाई खर्चा जो है वो किस तरीके से मैनेज होगा। ठीक है, आप तो इस बार लोन ले जाओ, ले जाओ। ठीक है, तो इसीलिए FRBM एक्ट लेके आए। एक्ट मतलब पार्लियामेंट से पास होगा, और सरकार के ऊपर क्या रहेगी, एक जिम्मेदारी रहेगी कि अपने खर्चों को कंट्रोल रखने की। ठीक है, इसीलिए इस एक्ट में लिख दिया 2003 के अंदर कि फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3% ऑफ GDP। ठीक है, उस टाइम बहुत ज्यादा था, 2003-4 के अंदर ये एक्ट आया था, तो उस टाइम फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था। तो सरकार ने कहा कि भाई, इस एक्ट ने कहा कि 2003-4 के बाद गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट कम करते करते 2008-9 तक कितना लेके आना है, 3% ऑफ GDP। ठीक है, ऐसा कहा गया। तो हर साल इसमें यह भी था कि हर साल 0.5% कम करना है गवर्नमेंट को, 2003-4 के बाद हर साल कितना कम करना है, 0.5%, और वो 2008-9 तक कितना आ जाना चाहिए, 3% तक आ जाना चाहिए, ऐसा टारगेट था। तो क्या ये टारगेट अचीव हुआ क्या? ये नहीं हो पाया। देखो भाई, क्या हुआ, 2003-4 के अंदर हमारा अच्छा खासा फिस्कल डेफिसिट था, ऐसे आप ये मान लो, इतना गैप था, है ना। ठीक है, इतना गैप था खर्चे और इनकम में गवर्नमेंट की। फिर जैसे ही ये बजट लेके आए, ये FRBM एक्ट आया, तो ये कम होने लग गया। ये कम होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, यहाँ तक पहुँच गया कम होते होते। कौन सा ईयर आ गया, 2008-9। अब 2008-9 में वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस हुआ, आपको पता है, USA के अंदर लेमन ब्रदर्स एक बैंक था, वो डूब गया। ठीक है, कोलैप्स कर गया, उसको कहते हैं सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, 2008-9 के अंदर हुआ। इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में फर्क आया, इंडिया पे भी थोड़ा बहुत फर्क आया। ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो मतलब इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी उनकी डिमांड में फर्क आया। तो गवर्नमेंट ने सोचा, यार अब ये फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, हमें इसको अभी इग्नोर करना पड़ेगा थोड़े टाइम तक। सोचो क्यों, अगर गवर्नमेंट ने, भाई गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट क्या करे, इकोनॉमी को संभाले। अब इंडिया की इकोनॉमी गिर रही है, डिमांड कम हो रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि बाहर डिमांड कम हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ करेगी। डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा करेगी। ठीक है, खर्चा करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, लोन लेगी। तो गवर्नमेंट ने इसलिए 2008-09 के अंदर FRBM के टारगेट को इग्नोर करना चालू कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, इसीलिए ये टारगेट जो था हमारा अचीव नहीं हो पाया। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए 2008-09 तक। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट देख लो, आप जीरो करना चाहती है गवर्नमेंट, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट कंजम्पशन पे बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहती। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेकंड वाला भी अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, समझ में आ गया ना, रीजन क्या है, ध्यान रखना, 2008-09 में सब प्राइम क्राइसिस आ गया था, तो अपनी इंडिया की इकोनॉमी भी इफेक्ट कर रही थी। डेब्ट टू GDP रेशो, ये क्या चक्कर है भाई इसका, अपनी जो GDP मतलब अपने साल भर की मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो अपन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो उसे GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की GDP कितनी है अभी, 2.5 ट्रिलियन डॉलर, है ना, अप्रॉक्स फिगर है। 1 ट्रिलियन में होता है 1 लाख करोड़, तो करीबन 2.5 लाख करोड़ US डॉलर इंडिया की GDP है। ठीक है, और आप जो कहते हो 6% 7%, वो GDP नहीं होती, वो ग्रोथ रेट होता है। तो ग्रोथ रेट और GDP में डिफरेंस होता है। अखबार वाले क्या करते हैं, जो GDP होता है उसको 6-7% लिख देते हैं, वो ग्रोथ रेट होता है ना कि GDP। इसका मतलब क्या है, इस ग्रोथ रेट का मतलब होता है इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी। इस साल GDP मेरी 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, और मान लो मेरी ग्रोथ रेट 6% है, तो अगले साल ये GDP मेरी बढ़ के, इसमें आप प्लस कर दो अमाउंट, उतना हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अपन थर्ड पॉइंट पर आते हैं, डेब्ट टू GDP रेशो। भाई फिस्कल डेफिसिट कितना तय करा गवर्नमेंट ने, या FRBM एक्ट ने, 3% होना चाहिए GDP का। अब आप सोचो, हर साल कोई सरकार 3-3% GDP का लोन लेती जा रही है,
आपको पता है अभी तक कितना लोन इकट्ठा हो चुका है इंडिया का अपने जीडीपी का? आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ मैं, इंडिया की जीडीपी का करीबन करीबन 69% क्या है जीडीपी का अपना लोन है। लोन मतलब क्या होता है बताओ? डेप्ट, अपन ने पढ़ा है कई बार। सोचो आप, मतलब इतना परसेंट अपन क्या एक तरीके से लोन लेके बैठे हैं, ठीक है? 69% ऑफ जीडीपी। तो सरकार मतलब एफआरबीएम एक्ट कह रहा है देयर शुड बी अ कैप ऑन डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। तो ये डेप्ट हो गया लोन और जीडीपी डिवाइड। तो डेप्ट अपॉन जीडीपी के अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? कैप होना चाहिए। तो ये कैप इस एफआरबीएम एक्ट में तो नहीं लिख रखा, लेकिन ये एक्ट, ये जो कैप है वो एनके सिंह कमेटी बताएगी। मैंने आपको बताया था एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए एनके सिंह कमेटी बनी थी। फिर मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी बता दिया कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई से बोरो नहीं कर सकती, ठीक है? मतलब नए प्रिंट, नई करेंसी नहीं प्रिंट करा सकती, ठीक है, लोन लेने के लिए। हाँ, आरबीआई दूसरी चीज़ों के लिए नए करेंसी प्रिंट कर सकती है, ठीक है, इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, बट वो लोन नहीं ले सकती, ठीक है? जो है मतलब सरकार जो है आरबीआई से लोन नहीं ले सकती, और ये नहीं कह सकती ला भाई नए करेंसी प्रिंट करके हमें लोन दे दे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं। अब जैसे मान लो वॉर हो जाए, अब इंडिया की किसी कंट्री से वॉर हो जाए, अभी डोकलाम का इशू हो रहा था इंडिया के अंदर चाइना का, चाइना के साथ, तो ऐसे कुछ वॉर हो जाए, कोई सपोज करो कोई ऐसी डिजास्टर आ जाए इंडिया के अंदर, बड़ा कोई भयंकर, ठीक है, आपदा आ जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट फिर क्या है, आप तब एक्सेप्ट तब अलाउड है, तब आप प्राइमरी बोरोइंग्स पे जा सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली नहीं जा सकते, ठीक है? फिर एक और बात भाई, ये चीज़ें चेक कौन करेगा पूरी की पूरी? तो पार्लियामेंट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पार्लियामेंट को रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? एनुअली भी दी जाएगी, मतलब हर साल बजट के अंदर बताना पड़ता है सरकार को। आप देखो अरुण जेटली हर साल बताते हैं कि भाई इस बार हमारा कितना फिस्कल डेफिसिट रहा, कितना रहेगा, टारगेट बताते हैं पूरा का पूरा, ठीक है? और साथ में क्वार्टरली, सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट मैटर है ये कि गवर्नमेंट को हर साल बताना, हर साल और हर क्वार्टर बताना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना है, ठीक है, ट्रेंड कितना है, खर्चे और एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्या चल रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं कि इनकम कम है, कि वो सब सब समझाना पड़ेगा पार्लियामेंट को। और इवन पता है ये सीएजी इसकी ऑडिट भी करेगी, जो कह गया उसको ऑडिट करने के लिए भी बोला गया इस चीज़ की, ठीक है? क्लियर क्या? तो ये पॉइंट आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एफआरबीएम एक्ट जो है वो बहुत सुर्खियों में रहता है अपने हमेशा, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट वगैरह। अब ये प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से प्रीलिम्स में से पूछ सकता है कि भाई फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अब पूछा हुआ है, पूछ सकता है क्या, पूछा भी हुआ है एग्जाम में, ठीक है? अब ये एफआरबीएम एक्ट है ना 2003 वाला, उसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया 2012 के अंदर। तो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? बदलाव आया। अब उस बदलाव को अपन डिस्कस करते हैं एक बार, है ना सर? ये क्या बदलाव था? ये बदलाव था दोस्तों क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सर ये क्या होता है? पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन, है ना? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों आपको पता है लोन में और ग्रांट में डिफरेंस होता है। लोन कौन दे रहा है? मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देगी तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नजरिए से सोचो, है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उससे एक असेट जनरेट हो रही है, समझ में आ रहा है? उससे क्या जनरेट हो रही है? असेट। असेट क्या है? गवर्नमेंट लोन को वापस लेगी तो गवर्नमेंट की असेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन वापस लेगी ना स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है स्टेट गवर्नमेंट को? ग्रांट देती है तो वो वापस नहीं लेती पैसा। तो ग्रांट कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा।
ग्रांट कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा। अब बताओ रेवेन्यू खर्चा फिस्कल डेफिसिट में काउंट होता है? नहीं होता है ना, होता है। रेवेन्यू डेफिसिट में भी काउंट होता है। जब रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं अपन तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट शामिल हो गया? ये ग्रांट वाला। ये ग्रांट वाला शामिल हुआ या नहीं हुआ? ये ग्रांट दी किसने है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं सब कुछ, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पैसा दिया, एलोकेट किया पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अपन ने इसको किधर शो कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर दिया। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि ग्रांट क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आपको नहीं लगता कि कुछ गलती हुई है यहाँ पे? क्या गलती हुई है सर? ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें बनी हैं, ये सड़कें क्या है? रेवेन्यू खर्चा है, कैपिटल खर्चा? भाई ये सड़क बन रही है मतलब असेट बन रही है। सड़क लॉन्ग टर्म है ना, 2-3 साल 4-5 साल काम आएगी वहाँ पे, ठीक है। उससे प्रोडक्शन कितना होता है, मतलब कितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है लोगों को, तो ये क्या होनी चाहिए? असेट होनी चाहिए, ठीक है, असेट है। लेकिन फिर भी अपन कहाँ दिखा देते हैं इसको? रेवेन्यू डेफिसिट में दिखा देते हैं। ये गड़बड़ हो रही थी, इसीलिए सरकार ने क्या कहा इसको कि रेवेन्यू डेफिसिट में इसको दिखा दिया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि नॉर्म्स ही ऐसे हैं रेवेन्यू डेफिसिट के, दिखा दिया। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया 2000, मतलब अमेंडमेंट करके फिस्कल डेफिसिट एक्ट के अंदर, FRBM एक्ट के अंदर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एक नया कॉन्सेप्ट किसका आया? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या बोलता है? जितना रेवेन्यू डेफिसिट निकाला आपने, निकाल लिया होगा रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करके, उसमें से ग्रांट जो दी है स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। क्यों माइनस करवा दिया समझ में आ गया? क्योंकि जैसे मान लो ये सड़क बनाने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है स्टेट गवर्नमेंट को, तो सड़क क्या है? एक असेट है। लेकिन फिर भी आप इसको किस में, ग्रांट को किस में कंसिडर करते हो? रेवेन्यू खर्चे में कंसिडर करते हो, इसलिए आप यहाँ पे इसको क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, ठीक है। अपन से मेंस में ही पूछ सकते हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, या प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। जब आप राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो उसमें भी आपको एक टर्म मिल जाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सॉरी, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में नहीं होगा शायद, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे में होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे? एनके सिंह कमेटी पे। एनके सिंह कमेटी गवर्नमेंट ने क्यों कॉन्स्टिट्यूट करी? FRBM एक्ट को रिव्यू करने के लिए। अभी 2016 में करी शायद, हाँ 2016-17 के आसपास, 16 में हुई है शायद ये, है ना। अभी क्यों, ये देखो जरा, और इसकी क्या रिकमेंडेशन है? गवर्नमेंट ने बोला FRBM एक्ट को रिव्यू करो, चेक करो उसके टारगेट कैसे हैं, सही है या गलत है। तो इन्होंने रिपोर्ट्स दिए, ये रिकमेंडेशन आई है, रिकमेंडेशन आ चुकी है। तो अगर अपन से कुछ पूछ ले रिकमेंडेशन एनके सिंह कमेटी की, तो अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये पिछले साल या इस साल भी सुर्खियों में रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या बोला है? पहला पॉइंट बोला है, यार ये फिस्कल डेफिसिट है ना, 3% जो है FRBM एक्ट ने प्रेजेंट तो किया है, लेकिन ये रिजिड अमाउंट है ना। 3% ही क्यों? 3%, 2.8 क्यों नहीं, 3.2 क्यों नहीं? तो ऐसा इन्होंने बोला एनके सिंह ने, है ना, और कई लोग भी बोलते हैं। तो एनके सिंह ने बोला ये टारगेट क्या होना चाहिए? थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है एनके सिंह कौन है? एनके सिंह जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने 14th फाइनेंस कमीशन अपने कोर्स में है, तो 15th फाइनेंस कमीशन वैसे अभी गठन हो चुका है उसका, और उसने रिपोर्ट भी दे चुका है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए 15th फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है आखिर, है ना। तो इसने बोला 3% तो चलो 1920 के लिए ठीक है, लेकिन 2.8% करो 2021 के अंदर। मतलब ये और किसके तरफ जा रहा है? फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ, है ना। मतलब ये गवर्नमेंट को बोल रहा है भैया खर्चा और कम कर, इनकम और बढ़ा, फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा, ये बोल रहा है। FRBM तो 3% बोल रहा था, ये बोल रहा है 2.8 कर देना, उसके बाद बोलते हैं 2.5 कर देना, तो ऐसे कम करने करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। दूसरी बात, एस्केप क्लॉज। एस्केप क्लॉज मतलब जैसे भी बताया था ना आपको कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो गए, जैसे वॉर हो गई वगैरह, ठीक है, तो वॉर हो जाती है, कोई सिक्योरिटी का इशू है कंट्री के अंदर, कोई कैलेमिटी आ गई, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप? उस केस में वो टारगेट जो है उसको ब्रीच, मतलब गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं आप आराम से, ठीक है, वो RBI से लोन ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा इधर भी बोल दिया कि एस्केप क्लॉज है, कि अगर मान लो कभी इंडिया में वॉर हो जाए, कोई कैलेमिटी आ जाए, बड़ी आपदा आ जाए, तो फिर आप ये आराम से जो टारगेट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, है ना।
3% वाला जो टारगेट है उसको इग्नोर कर सकते हो, डेविएट कर सकते हो, लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि मैक्सिमम डेविएशन कितना होना चाहिए, 0.5% होना चाहिए, उससे ज़्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था करंटली अभी जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 69% चल रहा है। ठीक है, मतलब सोचो आज अपन लोन ले रहे हैं और वो किसको चुकाना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन को। समझ में आ रहा है एफआरबीएम एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एफआरबीएम का एक ऑब्जेक्टिव है, अगर आप पढ़ोगे ना एफआरबीएम एक्ट उसके, तो उसके ऑब्जेक्टिव में लिखा है टू मेंटेन इंटर जनरेशनल इक्विटी। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया है ना इस टर्म को समझाने के लिए। ठीक है, वैसे मैंने पिछली क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था, आपका कोई दोस्त है बहुत अच्छा है ना, ठीक है, वो इंडिया के बाहर जा रहा है और आप उस दिन व्रत कर रखा है आपने सपोज करो, ठीक है, इंडिया के बाहर जा रहा है, कहीं जा रहा है, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, ठीक है, और वो बोलता है कि भाई चल होटल चलते हैं, खाना खाना पीना खा के आते हैं। ठीक है, आपने बोला मेरा तो व्रत है, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं चल भाई क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर तो तेरे को चलना पड़ेगा, तो आपने बोला चल ठीक है, तो आपको ले गया ज़बरदस्ती, आपका व्रत है, आप पूरे स्ट्रांग हो कि भाई आज मंगलवार का व्रत है तो अपन इसको नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अब वो दोस्त आपके सामने बैठ के आराम से खाना खा रहा है, दो तीन दोस्त और है, सबके सब मिलके खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि बिल आया, मान लो सपोज करो 3-4 हज़ार रुपये का बिल आ गया, एग्जाम्पल लो, और अब वो बिल चुकाना पड़ जाए आपको। ठीक है, आपके दोस्त ने बोला यार मैं जा रहा हूँ तो तू तू ही दे दे आज पार्टी, ठीक है, फिर तेरे से मिलूंगा नहीं, तू ही चुका दे आज बिल। अब एक बार इमोशन साइड में रखो और सोचो आप, अब आप क्या बोलोगे यार कि अपन ने कुछ खाया पिया तो है नहीं, अपन केवल देख रहे थे और फालतू में 3,000 रुपये अपन को चुकाने पड़ गए, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, एक बार तो आपको लगेगा ये बात। सोचो ऐसा ही लगता है जब प्रेजेंट जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, वो लोन ले जा रही है, है ना, और वो चुकाना किसको पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन को पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आप कंटिन्यूसली लोन ले जा रहे हो, कितना पहुंच गया ये लोन लेके, 69% ऑफ जीडीपी है आज अपना लोन, है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है। ठीक है, अपन ने एनुअल टारगेट तो फिक्स कर रखा है 3%, लेकिन क्यूमुलेट नहीं हो रहा क्या, वो लोन इकट्ठा नहीं हो रहा क्या, सोचो आप। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशो का इन्होंने कैप फिक्स कर दिया 60% से आनी होना चाहिए। फिर बोले एक्ट शुड बी स्क्रैप, कौन सा एक्ट बोल रहे हैं स्क्रैप करने के लिए, एफआरबीएम एक्ट कहते हैं स्क्रैप करने के लिए। ठीक है, अब ये क्यों कहे, अपन किसी नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, ठीक है, तो आपने बाल कटवा लिए, फिर आप किसी दूसरे नाई के पास जाओगे बाल कटवाने के लिए कभी और, तो बोलेगा यार तुम पिछली बार किससे कटवाए थे बाल, उसको तो काटने ही नहीं आते। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, कि इन्होंने बोला कि एफआरबीएम एक्ट जो है पुराना स्क्रैप कर दो और मेरी सारी रिकमेंडेशन मान के एक नया एक्ट बना दो। समझ में आया क्या, तो ये एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन है। बस अपन को एक और टर्म समझना है, अगर वो आपको टर्म समझ में आ गया तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है, फिर अपन कल से एक्सटर्नल सेक्टर चालू करेंगे जो अगेन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आपको पूरा इजी लगेगा। या 14th फाइनेंस कमीशन पढ़ लेंगे पहले 14th फाइनेंस कमीशन और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्या दिक्कत चल रहा है वो देख लेंगे। अपन ने रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया, अपन ने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया, ठीक है, अपन ने फिस्कल डेफिसिट देख लिया। एक टर्म होता है दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट, आपको इसका फॉर्मूला जरूर याद होगा, मेरे को पक्का पता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं ये फॉर्मूला क्या ना क्या चाहता है, ये अपन डिस्कस करते हैं। मान लो किसी सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.3% का सरकार ने टारगेट लिया है। एग्जाम्पल लेते हैं, गवर्नमेंट ने ये 3.3% किसका है बताओ, हमेशा जीडीपी का होता है ना, ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट कितना मेंटेन करने का टारगेट लिया है, 3.3%। अब बताओ ये आप सोच के बता दो ये क्या कहना चाहता है। अच्छा चलो आपको तब समझ में आएगा जब आप फिस्कल डेफिसिट का एक बार फॉर्मूला बोलोगे। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, यही है गवर्नमेंट की सारी खर्चे, गवर्नमेंट की सारी इनकम, बस इस रिसिप्ट में से क्या हटा देना, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है वो हटा देना, तो इससे क्या पता लग जाएगा मुझे कितने रुपए का लोन चाहिए, जो जितने रुपए का लोन निकलेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ऐसा ही होता है, एक एग्जाम्पल लो, ठीक है, अब
फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं अपन, सोचो जरा एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। 2014 के अंदर नई गवर्नमेंट आई इंडिया के अंदर, ठीक है, उसने ये फिस्कल डेफिसिट पहला बजट पेश किया, और सपोज करो उस टाइम फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने सेट किया 3.3%, ठीक है। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताओ क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो वो कौन सी रिसिप्ट होती है, गवर्नमेंट ने लोन लिया तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट उस लोन पे ब्याज दे रही है ना, वो कोई एसेट थोड़ी है, वो खर्चा जो है वो एसेट थोड़ी है क्रिएट कर रहा है ब्याज देना। तो जो गवर्नमेंट जो ब्याज ले रही है वो कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू खर्चा होता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या ये जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड होगा, नहीं होगा। आपने कर दिया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ब्याज का अमाउंट इंक्लूड है, तो इस फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या इंक्लूड होगा, ब्याज का, वो ब्याज का अमाउंट इंक्लूड होगा। मतलब कहने का मतलब समझना, फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है, मुझे कितने रुपए का लोन लेना है, मैं उस लोन लेने के अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ, कितने रुपए का ब्याज मुझे चुकाना है। आपको पता है कई लोग जो है लोन लेते हैं वो पिछले वाला ब्याज चुकाने के लिए लोन ले रहे होते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है। कई लोग जो हैं वो लोन लेते हैं क्योंकि पिछले वाले को चुकाना है, क्योंकि उन्होंने पहले लोन ले रखा है बहुत सारा, इसलिए। तो 2014 में गवर्नमेंट आई, वो कहना चाह वो कह रही है कि फिस्कल डेफिसिट 3.3% है। अब लोग कह रहे हैं ओ गवर्नमेंट ने कितना बेकार बजट पेश किया भाई, फिस्कल डेफिसिट जो है 3.3% है, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इतना लोन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कितनी खराब बात है, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, समझा रही कैसे, जरा समझना। अरे भाई तुम ये भी तो देखो, गवर्नमेंट कह रही है तुम ये भी तो देखो, इस 3.3% में से ऑलरेडी हम जो है सबसे ज्यादा तो क्या चुका रहे हैं, ब्याज। और ब्याज जो है वो कौन से लोन पे चुका रहे हैं, जो पहले का लोन है, जो ऑलरेडी मतलब पिछली गवर्नमेंट ने ले रखा है लोन, पिछली गवर्नमेंट ने ले रखा है, नहीं ले रखा लोन है ना, पिछली गवर्नमेंट ने भी लोन ले रखा होगा तो उसका ब्याज चुका रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर ऑलरेडी क्या इंक्लूड होता है, ब्याज। तो उसको जरा हटा के चेक करो कि हमारी खुद की पॉलिसीज की वजह से कितना लोन लेना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। गवर्नमेंट क्या निकालना चाहती है कि खुद की पॉलिसीज की वजह से कितना लोन लेना पड़ रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या करता है, जो पुराना वाला ब्याज है उसको माइनस कर देता है भाई, इसके अंदर ब्याज इंक्लूड होगा, और वो ब्याज पिछली गवर्नमेंट के लोन की वजह से होगा। तो पिछली जो करंट गवर्नमेंट है वो बताना चाहती है लोगों को कि भाई हमारा जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है वो उस इंटरेस्ट की वजह से भी आ रहा है जो हम पिछली गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो आप केवल उसको कंसीडर मत करो ना, फिस्कल डेफिसिट को आप क्या देखो, प्राइमरी डेफिसिट देखो, समझ में आ गया। और फिर भी नहीं आया समझ में तो एक दो बार प्लीज कोशिश करो समझने की, 3-4 बार करो, और फिर लास्ट के अंदर वरना ये फॉर्मूला याद कर लो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। हो सकता है अपन से एग्जाम में लॉजिक ना पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह के अंदर पूछ सकता है कभी कि फिस्कल डेफिसिट वो प्राइमरी डेफिसिट बता क्या रहा है ना। तो बस ऐसा नहीं कि अपन ये डायरेक्ट ले ये याद कर लें, इसको समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, क्या समझ में आ गया। तो मैंने सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए इस तरीके से, तो सॉरी मेरे को 20-25 मिनट 25 मिनट के आसपास जो है वो रिवीजन करना पड़ा, क्या करूं, क्योंकि फिर मेरे को लग रहा, मन नहीं मानता कि भाई क्या हो सकता है, मेरे को लग रहा हो कि यार पुराने बच्चों जो जो ही स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो, तो इसलिए फिर मेरे को रिवीजन करना पड़ा। ठीक है, थैंक यू।